हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। नया दिन, नई सुबह, सुबह को उठा अभी लगता ही होगा सकल देख के। आज जाने वाले हैं ब्लू मॉस्क, दिखाता हूँ आपको कैसी है मस्जिद और क्या क्या मिलता है वहाँ पर। कुछ सामान भी मिलता है, वो भी आपको दिखाऊंगा मैं। और अभी मैं हूँ यहाँ येरेवन, मतलब हलाबियान स्ट्रीट। यहाँ से बस जाती है, आप कहीं से भी आते हो बस से जा सकते हो और मेट्रो से। रिपब्लिक स्क्वायर आपको उतरना है, मेट्रो से जाते हो अगर, और थोड़ा पैदल चलोगे आप पैदल पहुंच जाओगे, नहीं तो आप अपनी टैक्सी मारो। ब्लू मॉस्क लोकेशन डालो या इंडेक्स गो में, उससे आप जा सकते हो। मैं अभी पहुंचने वाला हूँ बस स्टॉप पर, चल के दिखाता हूँ फिर। यह है बस स्टॉप, यहाँ से हमें एक नंबर बस मिलेगी, बड़ी वाली बस होती है, बस का सिंबल बना रहता है इस तरह का। 34 नंबर बस से आ गया था, एक नंबर बस जो है बहुत देर लगा रही थी और आई भी नहीं। जहाँ से मैं आ रहा था वहाँ से एक नंबर, 34 नंबर और 26 नंबर बस यहाँ आ रही थी। ये कुछ इसका व्यू है, देख सकते हो अंदर एंट्री वगैरह कैसे है, ओपनिंग टाइम और ये कब बनाई गई थी, क्या इसकी हिस्टोरी है, नमाज़ वगैरह पढ़ सकते हैं यहाँ पर, नहीं सारा कुछ। ये है मस्जिद का गेट, मेन गेट, और ये सामने जो है मस्तोस एवेन्यू स्ट्रीट है और वो सामने एक मॉल है। आप कोई सी भी लोकेशन डाल सकते हो, सिटी सेंटर के पास में ये बिल्कुल आप कास्काटे कॉम्प्लेक्स है या फिर रिपब्लिक स्क्वायर से आ सकते हो। ये रोड के इस पार से व्यू देखो, एंट्री लेंगे कोई चार्ज नहीं लगेगा, ऐसे ही घुस जाएंगे अंदर। कुत्ते वगैरह लाना मना है और सिंबल डॉग। ये मस्जिद के इंटर के बाद का, ये सारी जो हैं शॉप्स हैं अभी सब बंद पड़ी हैं। यहाँ पर कारपेट वगैरह या पुराना सामान वामान सब मिलता है। ये गार्डन है, पार्क बैठ सकते हो। ये दुकान खुली हुई देखो, बहुत महंगा सामान है, मैं देखा हूँ सारे ईरानी लोगों की दुकान है। जैसे ये देखो, मैं दिखा देता हूँ आपको कुछ, ये देखो हाँ हैंडमेड प्रोडक्ट हैं ये सारे। इधर बर्तन भी रखे होंगे देखो, ये डिजाइनिंग देखो खतरनाक है बिल्कुल, मतलब बहुत सारा म्यूजियम जैसा है सिस्टम। तस्वीरें बनी हुई हैं, आगे चलते हैं। मस्जिद का व्यू दिखाता हूँ आपको बिल्कुल फ्रंट से, काफ़ी टूरिस्ट आते हैं यहाँ। ये है कुछ व्यू मस्जिद का यहाँ से, दोनों साइड सेम है। इस साइड से जाओगे चाहे आप उस साइड से भी आ सकते हो। इधर फ्रंट पे अंदर एंट्री पता नहीं मिलती नहीं मिलती है, वो देखता हूँ मैं अभी आगे चल के। बाकी मैं कुछ लेने आया हूँ यहाँ पर, मीट मिलता है हलाल मीट, दिखाता हूँ दुकान आपको। ये सामने गेट है, वहाँ से आपको मीट वगैरह मिलेगा सारा, दुकान पर ही जा रहे हूँ। ये नीचे का नज़ारा देख सकते हो, इधर से व्यू देख सकते हो। यहाँ से हम बाहर निकलेंगे जब, ये इसका मीनार है पूरा, और इस साइड में ये दुकान है, ये लिखा हुआ है देखो हलाल मीट। यहाँ चिकन मटन और गाय भैंस का, भेड़ का सब मीट मिल जाता है। मैं साथ में आया था फिलहाल तो किसी के, ये नंबर है इनसे बात कर सकते हो आप। ये मस्जिद के अंदर का व्यू देख सकते हो, ये इमाम साहब खड़े हैं, ये मेंबर है। मैं जूते पहना हुआ हूँ इसलिए अंदर नहीं जा रहा हूँ। ये गेट है एंट्री होने के लिए, आ सकते हो बिल्कुल, यहाँ जूते रख सकते हो। बाहर चलते हैं, ये इसका मेन गेट है और अंदर जाने के लिए ये गेट्स, गेट्स आप अंदर जा सकते हैं। ये
ये मस्जिद जो है 1966 में बनवाई गई थी, लेकिन इसको चालू जो 1996 में करा गया था, क्योंकि यहाँ पे सोवियत यूनियन और अलग अलग गवर्नमेंटों ने रूल कराया आर्मेनिया में, तो उनके रूल के हिसाब से इसको बंद कर दिया जाता था। 1996 में इसको ओपन करा गया है, क्योंकि इसकी जो है सारा खर्चा और देखभाल ईरानी गवर्नमेंट उठाती है, क्योंकि ये ईरानी मस्जिद है एक, और पूरे येरेवन में, पूरे आर्मेनिया में से ये वाहिद एक मस्जिद है, और वो भी एक शिया मस्जिद है। ये जो मुस्लिम लोग हैं वो समझ सकते हैं, यहाँ पे नमाज वगैरह भी होती है जुमे का पता नहीं मुझे, लेकिन अपनी यहाँ पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। इस मस्जिद को बनवाया था हुसैन अली खान ने, सारी देखभाल उन्हीं की रही है। और यहाँ पे आर्मेनिया में पूरे करीब येरेवन में और अलग तो होंगे मुझे पता नहीं 800 से 1000 मुस्लिम हैं इसीलिए, और वो भी सब शिया हैं, तो सुन्नी वगैरह यहाँ कोई नहीं है। और इस मस्जिद की देखभाल शिया लोग ही करते हैं, क्योंकि ईरानी है। और पूरे आर्मेनिया में सिर्फ एक ही मस्जिद है, ये कोई से सिटी में भी नहीं है। और ये मस्जिद भी मेरे हिसाब से ना आए तो ज़्यादा बेहतर है, घूमने आ सकते हैं सिर्फ, बढ़िया बनी हुई देख सकते हो आप, देखने वालने के लिए सही है, लेकिन नमाज वमाज अपने रूम में पढ़ लो बेहतर ही है मेरे हिसाब से। आना चाहो तो आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर घूमने, जाने कहाँ कहाँ से। अभी उस साइड चलते हैं, दुकान पे आए थे हम मीट की, तो वो दुकान तो बंद है। उस साइड से मेन गेट है इसका, उधर से आए थे हम, इधर से घूम के अभी इधर से जा रहे हैं। और ये सारी जो है साइड से दुकान है, यहाँ पे मैट वगैरह मिलती है, ईरानी मैट और पुराना सामान, हिस्टोरिकल चीज़ें। आर्मेनिया में हिस्टोरिकल चीज़ें तो इतनी मिलती हैं हर तरफ, कहीं पर भी पुरानी मूर्तियाँ वगैरह देखने को मिल जाएंगी आपको। ये पार्क है, इसमें बैठने का जुगाड़ भी है, वो बैठे तो अंग्रेज भी बहुत आए हुए यहाँ। ये इसका आउटसाइड व्यू, सामने मस्जिद है, आपको दिखती होगी पेड़ों के बीच में से। ये इस साइड का, ये मशीन वसीन लगी है, कुछ निकाल सकते हो खाने का, ये मशीन लगी है कॉफ़ी की, कॉफ़ी निकाल सकते हो, चॉकलेट वगैरह निकाल सकते हो, कुछ निकाला जाए इसमें से क्या, बूम निकाल दे, अरे बहन जो 400 की निकालो, बाहर से ले लेंगे 250 की मिलेगी। ये है मेन गेट अंदर आने का एंट्रेंस, और ये सामने लगा हुआ है इसका नक्शा, ये पूरा डिज़ाइन है। और ये आर्मेनियन में एक्सपोजन ऑफ हैंडमेड प्रोडक्ट है, मैं बता रहा था ये सारी जो दुकानें हैं सारे हैंडमेड प्रोडक्ट हैं इन दुकानों में, किचन, टॉयलेट, पुलिस, क्लासरूम, मेडिकल सर्विस, ये अरबी में लिखा है, ये आर्मेनियन में, ये पूरा इसका आर्मेनियन रसिया जी है, रसियन में। ये जो जितनी भी सारी दुकानें देख रहे हो आप, ये देखो प्लेट वगैरह रखी हुई हैं, ये सारे हैंडमेड प्रोडक्ट हैं, खरीद सकते हो, लेकिन अगर पैसे हैं आपके पास, महंगे बहुत होते हैं ये। तो वीडियो यहीं तक थी, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक बार विजिट करो, अच्छी जगह है घूमने के लिए, बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर। ये इसका मेन गेट, कोई पूछताछ नहीं, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, लेकिन एक चीज़ बता दूं मैं, इसका ओपनिंग टाइम जो है 7 दिन ओपन रहती है ये मस्जिद, लेकिन 10 बजे से 1 बजे तक खुलती है, और 3 बजे से 7 बजे तक, तो इस टाइम में आप आ सकते हो कभी भी, ठीक है। वीडियो यहीं तक थी, मैं जा रहा हूँ रूम पर वापस बस से।